Hey guys, welcome or welcome back to the another video. This video is going to be about the new 10th graders that just have entered the class 10th. इस वीडियो में मैं अपनी मिस्टेक्स बताऊंगा जो मैंने क्लास 10th में करी, सो आप लोग उसको रिपीट ना करें. सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड ऑल्सो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि जो स्टार्टिंग में तुम्हारा 10th का जोश रहता है कि हाँ इस बार तो बोर्ड्स है फोड़ ही देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, उसको थोड़ा मेंटेन रखना एंड ईयर तक. लाइक मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि शुरू में तो मैं बहुत पढ़ता था. लाइक तुमने मेरे व्लॉग्स देखे ही होंगे मैं कितना, मतलब अ डे इन माई लाइफ एंड 6-6 घंटे 8-8 घंटे. बट फिर मिडिल ऑफ द 10th सेशन आते आते फिर मैंने कम करा, फिर एंड तक आते आते तो पूरा हो ही गया था सब कुछ. फिर उसके बाद हाँ मैं यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ पढ़ाई मत करना लेकिन और भी चीज़ें करना और डिसिप्लिन से चलना. गुड थिंग वही रहती है कि तुम थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, तो कंसिस्टेंट रहना. ऐसा मत करना कि आज इतना पढ़ लिया तो कल नहीं पढ़ रहे, मतलब डेली पढ़ना थोड़ा थोड़ा लेकिन कंसिस्टेंट रहना. सो द सेकेंड थिंग इज़ कि सिर्फ पढ़ाई में मत उलझे रहना. लाइक स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि ये तो 10th है, अब तो घर से बाहर भी नहीं निकलूँगा, ये नहीं करूँगा, लेकिन यार बाहर खेलो, सब कुछ करो. लाइक फिर फिजिकल हेल्थ भी तुम्हारी इंपॉर्टेंट है, फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, जो तुमको करना है करो लेकिन पढ़ाई भी साथ साथ करो. नहीं वाला लाइक कितना ही तुम पढ़ लोगे और इतना पढ़ोगे तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ अलग ख़राब होगी. तो मैंने खोला यूट्यूब चैनल, जिसमें को एडिटिंग में इंटरेस्ट था, तो तुम कुछ भी कर सकते हो जिसमें तुम्हारी हॉबी है, स्केटिंग, फुटबॉल, क्रिकेट, तुम्हारी मर्जी है वो. लेकिन हाँ बस मैं यही कहना चाहूँगा तो सिर्फ पढ़ाई मत करते रहना और भी चीज़ें करना. एंड द थर्ड पॉइंट इज़ कि NCERT से स्टेक रहना. लाइक मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है अलग अलग क्वेश्चन बैंक करेंगे फिर वो रेफरेंस बुक करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने भी ऐसा ही किया था कि मैंने बहुत सारी रेफरेंस बुक्स ले ली थी. लेकिन NCERT इज़ द बाइबल, तुमको NCERT फॉलो करनी है. और अगर हाँ उसके बाद तुमको कुछ करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए तुम क्वेश्चन बैंक्स रेफर कर सकते हो. एंड फॉर क्वेश्चन बैंक्स EDUCART इज़ द बेस्ट. लाइक उनके PYQ सब कुछ इंक्लूड रहते हैं क्वेश्चन बैंक में, एंड 30% उनने MCQ भी डाल रखे हैं उनके क्वेश्चन बैंक्स में. लाइक अभी डिसाइडेड नहीं है कि इस साल के लिए भी Term 1 एंड Term 2 होंगे या सिर्फ Term 2 ही होगी, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है. तो वो EDUCART इज़ द बेस्ट. लाइक यू कैन फॉलो दिस बुक. एंड ऑल्सो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है लाइक RD शर्मा एंड RS अग्रवाल करेंगे. लाइक मुझे भी पहले लगा था कि मैं करूँगा हाँ, लेकिन अगर तुमको स्टार्टिंग से सॉल्व करना है तो कर लो, लेकिन एंड मोमेंट पे आते आते अगर तुमको लग रहा है कि हाँ मैं उससे क्वेश्चन कर लूँगा तो उससे कुछ नहीं होने वाला. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टिक रहो एंड NCERT करते रहो. फॉर मैथ्स दिस इज़ बेस्ट. अगर हाँ तुम्हारे पास स्टार्टिंग से टाइम है और तुमको मैथ्स में इंटरेस्ट भी है तो तुम RD या RS कर सकते हो. सो अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल देयर आर सम चांसेस दैट CBSE मे कंडक्ट Term 1 एंड Term 2 for 2022 to 2023 session as well, though it is not official. But if you want to know more about this, you can read this article. I will provide the link in the description. So these are the EDUCART question banks which will provide you all the previous year questions and important questions. They have 30% objective questions in their book. Also you will get topper's answers, notes, theory to revise any chapter and detailed solution of each question. So if you want to ace your preparation for class 10, you can buy this book. Link is given in description of this video. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि अगर तुम कोई कोचिंग या बैच फॉलो कर रहे हो ऑनलाइन तो बहुत ही बढ़िया, वो तो टाइम टेबल प्रोवाइड करते ही हैं और उसके हिसाब से तुम चलोगे. बट अगर नहीं कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, सो वीकली या मंथली तुम्हारे गोल बना के रखना. लाइक इस वीक में मुझे ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, सो वो टू डू लिस्ट बना लेना. एंड वो जो दिन का जो टाइम टेबल होता है ना कि लाइक 6 PM टू 8 PM मुझे ये पढ़ना है वो पढ़ना है, वो तो बनाना ही मत. लाइक वो कभी फॉलो नहीं होता और तुमको वो डीमोटिवेट और करेगा. सो हाँ वीकली एंड मंथली गोल बना के रखना कि हाँ मुझे ये चैप्टर्स कंप्लीट करने, तो तुम्हारे पास एक आइडिया रहेगा कि हाँ मेरा इतना हो गया इतना बाकी है, और अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में तुम पढ़ सकोगे. एंड ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी इस जर्नी में बहुत सारे लोग तुमको बोलेंगे कि भाई 10th है इस साल, बोर्ड्स हैं, तुमको इतना पढ़ना है, तुम क्या कर रहे हो बाहर, खेल क्यों रहे हो. तो यार उनको मत सुनना, सीरियसली बोलूँ तो, क्योंकि शुरू में मुझे भी ऐसे बहुत लोग बोलते थे. लेकिन यार इनको इग्नोर करो, 10th यार तुम्हारी 9th और 8th जैसी ही है, इसको इतना मत कॉम्प्लिकेट करो कि हाँ इस साल तो बोर्ड्स हैं इतना पढ़ना पड़ेगा. इतना लाइटर वे में लो और डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ो, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था इस वीडियो के.
हाँ बस यही है कि एक टीचर को फॉलो करो। हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा मतलब मेरा एक दोस्त था, उसने एक मैथ्स के लिए 3 3 कोचिंग ज्वाइन करी जो कि लाइक बिल्कुल भी नहीं, फिर भी उसके मार्क्स नहीं आते थे। और वो मुझसे पूछता था भाई मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। बस यही एक टीचर को फॉलो करो, फिर क्वेश्चंस करो, सेल्फ स्टडी वो तुम्हारे है, तुम्हारे ऊपर है, लेकिन टीचर को एक फॉलो करो एंड उसको अच्छे से करो, मतलब उस पर पूरा भरोसा रखो, तुमको अच्छे से ही पढ़ाएगा। So that is it for this video. I hope you all liked it. I made this video because many of the new 10th graders were asking for some tips and how to start class 10. So I made and Q&A video बहुत ही जल्द आने वाली है, probably in this week or after some days it will be out. But अगर मुझे टाइम नहीं मिलता है शूट करने को तो फिर वो टर्म टू बोर्ड्स के बाद ही आएगी। एज ओनली 15 डेज आर रिमेनिंग इन बोर्ड्स। सो ऑल द बेस्ट एवरी वन फॉर योर प्रिपरेशन।